you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल थिंगाचार्यम पर। दोस्तों आपने सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान ये किसी भी इंसान की प्राइमरी नीड्स होती हैं और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन समय बदल चुका है और आज के ज़माने में लोगों की जो प्राइमरी नीड्स हैं उन्होंने एक दूसरा मोड़ ले लिया है। अगर हम बात करते हैं कॉरपोरेट्स की तो कॉरपोरेट्स में आज की डेट में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। अब लोग वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचते हैं, सोशल लाइफ के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में सोचते हैं। अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करते हैं और उसमें हम लीव पॉलिसीज़ के बारे में बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 21st सेंचुरी की यानी कि इस सेंचुरी की कुछ अच्छी लीव पॉलिसीज़ के बारे में जो कि काफ़ी कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप अपने कॉर्पोरेट को एक अच्छा कॉर्पोरेट बनाने के लिए उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों आपने 3 या 4 लीव्स के नाम सुने होंगे अभी तक, जैसे कि अर्न लीव जिसको हम प्रिविलेज लीव भी कहते हैं, सिक लीव, कैजुअल लीव और मैटरनिटी बेनिफिट लीव। लेकिन इन सारे लीव्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी लीव्स हैं जिनको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेटर वर्क लाइफ बैलेंस फील होगा और आपके कंपनी की ग्रोथ में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। पैटर्निटी लीव इंडिया में ऑलरेडी बिल पेश किया जा चुका है, हो सकता है कि अच्छा सब कुछ ठीक रहा और वो अप्रूव हो गया तो ये एक्ट बन जाए। और जिस तरीके से मैटर्निटी लीव मिलती है फीमेल्स को उसी तरीके से मेल्स को पैटर्निटी लीव मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर हम बात करते हैं जो एम्प्लॉयड हैं यहाँ पर वो लोग अपने गाँव से आकर के किसी शहर में बसते हैं, वहाँ पर हस्बैंड और वाइफ होते हैं। ऐसे में जब वाइफ की डिलीवरी होती है या बच्चा होता है तो ऐसा नहीं है कि जो मेल है या जो फादर है उसको कुछ नहीं करना पड़ता, वो उसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाती है। अगर हम एक ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो एम्प्लॉई अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाता है, हॉस्पिटल में उसको रुकना पड़ता है, कुछ प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटी वाइफ को दिलानी होती हैं और बिना छुट्टी लिए ये सब पॉसिबल नहीं होता है। और इसके अलावा भी हम अगर देखें तो उस क्रूशल टाइम में मानवता के लिहाज से भी हस्बैंड और वाइफ का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कुछ अच्छे कॉर्पोरेट्स की बात करें तो जैसे कि जोमेटो और नोवार्टिस से 26 वीक की पैरेंटल लीव देता है, माइक्रोसॉफ्ट 12 वीक की पैरेंटल लीव देता है, इन्फोसिस 5 डेज का देता है, फेसबुक 17 वीक्स का देता है, TCS 15 डेज का देता है और डेलॉयट 16 वीक का पैटर्निटी लीव देता है। गार्डन लीव या गार्डनिंग लीव नाम से थोड़ा सा फैंसी टाइप का लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये छुट्टी होती है और ये छुट्टी ये लीव नोटिस पीरियड सर्व करते वक्त लोगों को दी जाती है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो कि ऐसी पोजीशन पर काम करते हैं जो कि पोजीशन ऑफ सीक्रेसी है या ऐसी पोजीशन जो कि पावर वाली पोजीशन है। इस छुट्टी देने के पीछे जो तर्क होता है वो ये होता है कि नोटिस पीरियड सर्व करते वक्त वो व्यक्ति किसी तरीके से कंपनी के डिसीजंस को, कंपनी की रिपुटेशन को इन्फ्लुएंस ना कर दें, इसलिए छुट्टी दी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी एम्प्लॉय का नोटिस पीरियड 3 महीने का है तो हो सकता है उससे सिर्फ 1 महीने काम कराया जाए, बाकी के 2 महीने उसको घर बैठने के लिए बोला जाए और 2 महीने में क्योंकि कंपनी को एक टाइम मिल जाता है अपने सारे पैटर्न को, अपने प्रोटोकॉल्स को चेंज करने का, ताकि किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के जाने के बाद अगर उसका कोई इंटेंशन गलत भी है तो कंपनी का कोई हार्म ना हो। पेरेंटल लीव तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है कि मेल और फीमेल दोनों मिलकर के इक्वली तौर पर अपने बच्चे के साथ रह पाए उसके शुरुआती दिनों में और उसके बेटर केयर कर पाए, इसके लिए ये लीव दी जाती है। कुछ लीडिंग कंपनी जैसे HP एंड नोवार्टिस ये पेरेंटल लीव देते हैं इंडिया के अंदर। नोवार्टिस जहाँ 26 वीक का लीव देता है पेरेंटल, शेयर पेरेंटल लीव देता है ये, वहाँ पर HP 6 वीक का लीव देता है। केयर गिविंग लीव ये लीव उन लोगों को दी जाती है जिनके फैमिली मेम्बर्स की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसे में लोगों को अपनी अर्न लीव CLSL में से
यूटिलाइज़ करना होता है। कुछ अच्छे कॉर्पोरेट्स ये लीव देते हैं ताकि अपनी उन लीव्स के अलावा एक एम्प्लॉई बिलोंगिंगनेस फील कर सके कंपनी के साथ में, उसको लगे कि जब मेरी फैमिली बीमार थी तब मेरी कंपनी ने मेरी हेल्प की थी मुझे लीव दे करके। कोरोना वायरस के साथ में एक नई लीव का चलन और हो गया है जिसका नाम है क्वारंटीन लीव। ये उन लोगों को दी जाती है जो लोग किसी तरीके से पैंडेमिक से प्रभावित हैं और उनको इलाज के लिए 10 दिन का 15 दिन का आइसोलेशन का टाइम चाहिए, उनको क्वारंटीन होना है। हमारी लिस्ट में अगली लीव है वेल बींग लीव। ये लीव उन लोगों को दी जाती है जो लोग रिमोटली काम करते हैं या आइसोलेशन में काम करते हैं। ऐसे लोग अक्सर कर समाज से सोसाइटी से दूर रहते हैं, तो उनको ये लीव इसलिए दी जाती है ताकि ये लीव लेकर के अपनी सोसाइटी में जाकर रह सकें, लोगों के बीच रह सकें और अपने आप को आइसोलेटेड फील ना करें, ताकि उनको बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिल सके। ड्राइविंग लीव या बेरेवमेंट लीव, ये लीव कुछ ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। ये लीव स्पेशली उन केसेस के लिए होती है जहाँ पर एम्प्लॉय के किसी क्लोज रिलेटिव का डेथ हो चुका होता है, तो उनके लास्ट राइट को कंप्लीट करने के लिए छुट्टी दी जाती है। कम्युनिटी वर्क लीव, ये लीव किसी भी व्यक्ति को समाज के प्रति और जिम्मेदार बनाने के लिए, समाज के कामों में और उसे हिस्सेदार बनाने के लिए दी जाती है, ताकि लोग अपने सोसाइटी के साथ जुड़े रहें और सोसाइटी में होने वाले जो कम्युनिटी वर्क होते हैं, कम्युनिटी काजेस होते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। डिटॉक्स लीव, डिटॉक्स लीव खास तौर पर इसलिए दी जाती है ताकि आज के दौर में जिस तरीके से लोग दिन भर स्क्रीन के सामने रहते हैं, इंटरनेट पर ऑनलाइन रहते हैं, लोग अपनी इस हैबिट से कुछ देर के लिए ऑफ ले पाएँ। इस कोई एक दिन ऐसा हो जिसमें वो लोग इंटरनेट से दूर रहें, स्क्रीन से दूर रहें, इसके लिए ये छुट्टी दी जाती है। लॉन्ग सर्विस लीव, लॉन्ग सर्विस लीव कुछ ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। जब आप 10 साल की सर्विस कंप्लीट करते हैं तो आपको एक पैकेज देते हैं हफ्ते भर की छुट्टी का, 10 दिन की छुट्टी का। ये एक तरीका ग्रेटिट्यूड दिखाना होता है अपने एम्प्लॉय को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।